नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, एक ऐसी चमत्कारी औषधि लेकर आया हूँ। ये चमत्कारी औषधि आपकी खोई हुई सुनने की शक्ति दोबारा लौटा सकती है। ये इतनी चमत्कारी औषधि है, इसे जानने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपकी हेल्थ से संबंधित सभी जानकारियां लेकर आते हैं, जिससे कि आप घर पर औषधि बनाकर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब मैं बात करूँगा, ये चमत्कारी औषधि आपकी खोई हुई सुनने की शक्ति दोबारा लौटा सकती है। बहरापन एक गंभीर समस्या है। बहुत से लोगों को अलग अलग कारणों की वजह से बहरापन हो जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए तुरंत ही उपचार करना चाहिए। बहरेपन के कई कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ बहरापन की समस्या होना प्राकृतिक बात है। कान की हड्डी का भर जाना, ज़्यादा शोर वाली जगहें पे काम करना, कैंसर के कारण भी बहरापन हो सकता है। इसके अलावा कान की कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे बहरापन हो सकता है। आज हम आपको ऐसे प्राकृतिक औषधि के बारे में बताएंगे जिसके इस्तेमाल से बहरेपन का इलाज किया जा सकता है। इस औषधि के बारे में बताने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये औषधि सब के लिए नहीं है, अर्थात ये औषधि बहरेपन के लिए रामबाण है। वहीं इसके इस्तेमाल से पहले किसी मेडिकल प्रोफेशनल से की सलाह लेना भी जरूरी है। आखिर क्या है ये चमत्कारी औषधि? लहसुन और प्याज का रस। जी हाँ, बस लहसुन और प्याज का रस, इन दो चीज़ों से ही कर सकते हैं आप बहरेपन का इलाज। लहसुन और प्याज के रस में ऐसा क्या है जिससे बहरापन ठीक किया जा सकता है? बहरेपन के इलाज के लिए प्याज को एक बहुत ही गुणकारी और असरदार औषधि माना जाता है। प्याज में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट तेज आवाज जैसे कि धमाके और हवा के दबाव में होने वाले बदलाव के कारण बहरेपन को ठीक कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने एक शोध में पाया कि जिन लोगों के सुनने की शक्ति किसी धमाके की वजह से चली गई थी, प्याज और पानी के मिश्रण के सेवन से उनके सुनने की शक्ति में बहुत जल्द सुधार हुआ। बहुत सारे लोग जो सुनने की शक्ति खो चुके हैं, उन्होंने अपने खाने में लहसुन लेना शुरू किया और उनको बहुत ही चौंका देने वाले लहसुन के फायदे देखने को मिले। ऐसा माना जाता है कि लहसुन सर्दी जुकाम को कम करता है, बीपी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और लंबी आयु प्रदान करता है। और बहरेपन में लहसुन खून के बहाव को बढ़ाकर कान के उस हिस्से को जो आवाज़ को संदेश में बदलकर शरीर में केमिकल गतिविधि पैदा करता है को दोबारा ठीक करके कान के सुनने की शक्ति को वापस लाने में मदद करता है गार्लिक लहसुन। प्याज के रस और लहसुन के इस मिश्रण को बनाना बेहद ही आसान है। इस मिश्रण को तैयार करने के लिए जरूरी सामग्री, लहसुन की कुछ कलियां लें, एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल लें, प्याज का रस लें 15 ml, एक ड्रॉपर और थोड़ी सी रुई। अब तैयार करने की विधि, औषधि तैयार करने की विधि, एक कप में जैतून का तेल डालें, लहसुन की कलियों का रस निकाल लें और दोनों चीज़ों को प्याज के रस में मिला लें। ड्रॉपर की मदद से दोनों कानों में 3 से 4 बूंदें टपकाएं या डालें। दोनों कानों को काटन बाल से बंद कर लें, ढांप लें। बनाने में बहुत आसान
इस मिश्रण के लाभ अनमोल हैं। तो अगर आप बहरेपन से परेशान हैं तो आज ही इस औषधि को बनाएं और इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसके फायदों के बारे में बताएं ताकि वो भी इस औषधि का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, ये है चमत्कारी औषधि जो आपकी सुनने की शक्ति को दोबारा लौटा सकती है सिर्फ दो चीज़ों से, लहसुन और प्याज दोनों, साथ में जैतून का तेल। इनसे मिलाकर आप इस औषधि को बना सकते हैं और अपनी सुनने की शक्ति को दोबारा पा सकते हैं। आप इस वीडियो को, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर इसलिए ताकि यह उन मेरे भाइयों तक भी पहुँचे जिन मेरे भाइयों को इस वीडियो की देखने की सबसे अधिक ज़रूरत है, ताकि वह इस वीडियो को देखकर इससे लाभ उठा सकें और अपने बहरेपन की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकें, उसको दूर कर सकें। ये परोपकारी काम है। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपकी हेल्थ से संबंधित सभी जानकारियां लेकर आते हैं, जिससे कि आप घर पर औषधि बनाकर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके साथ साथ अपने धन की भी बचत कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। धन्यवाद दोस्तों।